हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पर। मेरा नाम है सूरज और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रॉफिट और लॉस से पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जाने हैं आपको पहले से ही दे चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अच्छा, शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वो मैं देना चाहता हूँ। उसमें क्या है कि अगर आप जो है जीएस की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप सभी जानते हैं, मैं जानता हूँ आप सभी जो है लूसन को मैक्सिमम फॉलो करते हैं, है ना। तो देखो किताब का क्या है कि लूसन में भी वही आप किसी दूसरी किताब को फॉलो करते हैं उसमें भी वही है। दरअसल बात यह है कि आपको पढ़ना वही है, ठीक है, बात समझ आए। तो उसमें क्या करना है, मैंने क्या किया कि आपको सभी को ट्रिक के माध्यम से महाजनपद जो थे उनकी राजधानी क्या थी, साथ में जो है कैपिटल्स क्या क्या है ना, उनकी मतलब कि उनके जो भी हमारे जो भी कंट्रीज है पूरे विश्व में उनकी जो है कैपिटल्स क्या है, इन सभी को जो है मैंने अभी कंट्रीज तो की कैपिटल तो मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन हाँ उससे पहले कि जितने भी नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर, इन सभी के बारे में मैंने क्या किया आपको जो है वहां पर प्ले लिस्ट में जाके जो है आप देखिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मैंने देखिए कहाँ पे अपलोड किया हुआ है आपका MGSP क्लासेस पे जाके आप जो है जाके देख सकते हैं उनका, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे जो है आपको जीएस की और इंग्लिश की जो है अच्छी प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप अपनी बेस्ट तैयारी वहां से कर सकते हैं, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट लॉस से जो है पार्ट 4 है ये, मतलब रूल 4 है और पार्ट 3 है, ठीक है। देखिए क्या है, इससे पहले जो मैंने आपसे जो है डिस्कस किया था कि प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि मैंने पहली बात की थी सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई चीज जो हम खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, साथ ही हम अगर उस पर रिपेयरिंग या फिर जो है उसकी मेंटेनिंग पर खर्च करते हैं वो भी आपका जो है कॉस्ट प्राइस में ही जोड़ा जाता है। तो कॉस्ट एंड को पेपर घुमाने के लिए वो आपको जो है कि खरीदा इतने में और साथ में कॉस्ट प्राइस तो देता है और साथ में ये भी देता है कि वो रिपेयरिंग पे इतना लगा या फिर मेंटेनेंस पे इतना खर्च हुआ, तो ये आपको उसमें जोड़ना होता है कि इसमें जो खरीदा गया मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस में, तो ये टोटल मिला के जो है कॉस्ट प्राइस आपका होता है। ये मैंने पहले बात की थी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसमें कि हम कोई किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है। प्रॉफिट के बारे में बात करी थी और लॉस के बारे में बात करी थी। प्रॉफिट का आपको क्या होता है कि प्रॉफिट का जब आपका जो है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तब आपको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज है। और उसी तरीके से जो है जो आपको लॉस होता है वो आपको जो है जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस कम होता है तब आपको लॉस होता है। इतनी बात हमने बात की थी। और साथ ही अगर मैं बात करता हूँ प्रॉफिट और लॉस की, तो ये दोनों ही आपके जो है किस पे जो है कैलकुलेट किए जाते हैं, ये दोनों ही आपके जो है कॉस्ट प्राइस पर जो है कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई थी। दूसरे पार्ट में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले के ऊपर, कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी वस्तु को एक्स परसेंट प्रॉफिट पर बेच देता है या फिर ए परसेंट प्रॉफिट पर बेच देता है तो उस समय सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस और साथ में आपको क्या था कि प्रॉफिट और लॉस, है ना, ये तीन थे। प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में तीन लगेंगे, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज, और जो लॉस परसेंटेज है उसमें तीन है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज। तो ये तीन, ये दोनों का मैंने अलग अलग फॉर्मूला आपको बताया था और साथ ही आपको ये भी बताया था कि ये तीन ही वेरिएबल है, तो दो की वैल्यू आपको दे के रखेगा और एक आपसे पूछ लेगा। इतनी बात समझ आई। तो यानी उन सभी को आप जो है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। और वो मैंने ये भी बताया था कि वाला फॉर्मूला जो है आपका कहाँ से आया था, जिन्होंने नहीं देखा वीडियो वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है तीसरे वीडियो में, यहाँ पर आपको क्या है सक्सेसिव प्रॉफिट। सक्सेसिव प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, अल्टरनेटिव प्रॉफिट, यानी एक के बाद एक प्रॉफिट आपका आना है। इसी तरीके से सक्सेसिव आपका लॉस आएगा ना, तो सक्सेसिव प्रॉफिट का मतलब क्या है, एक के बाद एक प्रॉफिट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे एक प्रॉफिट पे उसने एक प्रॉफिट के लिए जो अपना जो मूलधन था वो दिया और फिर उसी के बाद जो है उसने दूसरा भी जो है उसी प्रॉफिट मतलब दूसरे प्रॉफिट पर उसको दे दिया, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कुल मिला के दो प्रॉफिट आपके रहेंगे, दो से ज्यादा दो प्रॉफिट तीन प्रॉफिट, है ना। तो दो के लिए हम किस तरीके से निकालेंगे, तीन के लिए हम किस तरीके से निकालेंगे, देखते हैं ध्यान से देखना। इफ ए, देखो यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, कुछ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या है यहाँ पर, इफ ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट ए परसेंट प्रॉफिट एंड बी सेल्स इट टू सी एट बी परसेंट प्रॉफिट, तो कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब कोई ऑब्जेक्ट ही हो गया, है ना। तो ए ने क्या किया, ए ने क्या किया कि किसी आर्टिकल को जो है बी को बेचा ए परसेंट के प्रॉफिट पर, उसी तरीके से बी ने क्या किया सी को बेच दिया बी परसेंट के प्रॉफिट पर। तो इन्होंने बेचा ए परसेंट के, मतलब ए ने बी को बेचा ए परसेंट के प्रॉफिट पर और बी ने सी को बेचा उसे बी परसेंट के प्रॉफिट पर। तो उस समय या फिर हम इसे ऐसे कहें
तो आपसे पूछेगा कि अगर ए ने बी को बेचा 1% के प्रॉफिट पर, बी ने सी को बेचा 2% के प्रॉफिट, तो बताइए कि टोटल मिला के प्रॉफिट कितना हुआ। तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तब आप 100% कर देंगे, यानी टोटल मिला के ये जो आपका फॉर्मूला होगा, तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होगा ये। इतनी बात समझ आए, या फिर वो उसको इस तरीके से भी पूछ सकता है, इफ ए परसेंटेज एंड बी परसेंटेज आर टू सक्सेसिव प्रॉफिट, यानी कि ए परसेंट और बी परसेंट आपके दो सक्सेसिव प्रॉफिट है। इतनी बात समझ आए, अगर आपको दो प्रॉफिट सक्सेसिव प्रॉफिट दिया हो कि उसको लगातार दो प्रॉफिट हुए, तो बताइए फाइनल प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट क्या होगा। तो उसके लिए भी फॉर्मूला आपका सेम ही है, तो आप क्या यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। इतनी बात समझ आए, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है आगे, इफ ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 8% प्रॉफिट एंड बी सेल्स इट टू सी एट 2% प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें वही वाली बात है कि ए ने बी को बेचा है 8% के प्रॉफिट पर, बी ने सी को बेचा है 2% के प्रॉफिट पर। यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर इफ सी पेड एक्स रुपए, अगर सी ने एक्स रुपए पे किया, अगर सी ने एक्स रुपए पे किया है, देन अमाउंट पेड बाय ए। तो अगर कहने का मतलब क्या है, अभी तक तो आप प्रॉफिट निकाल रहे थे, लेकिन आप रुपए में पूछने का कि सी ने अगर एक्स रुपए खर्च किए हैं, तो बताइए ए को, ए ने कितने रुपए, मतलब सी ने पे किए हैं किसको, सी ने जो है पे किए हैं किसको, बी को पे किए हैं क्योंकि उसने खरीदा है ना, तो सी ने पे किए हैं एक्स रुपए, तो बताइए ए ने कितने रुपए जो है पे किए हैं, तो देन अमाउंट पेड बाय ए। तो ए ने कितने रुपए पे किए हैं ना, तो पे कितने किए हैं एक्स, तो एक्स आ जाएगा क्योंकि जो सी का वैल्यू आएगी, जो जितने सी ने पे किया वही आपकी वैल्यू हो जाएगी सी, यानी कि रुपीज गेन बाय रुपीज रुपीज पेड बाय सी। तो ये आपका एक्स हो जाएगा इंटू 100/100 प्लस है, ये आपका ए क्या है, आपका 8% प्रॉफिट है, और ये आपका क्या है, बी आपका 2% प्रॉफिट। तो यानी इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं, सो को आपने नीचे किया 1+1/100, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बात पूरी बात आपको समझ आई, इतनी बात, ठीक है। तो ये यानी कि क्या मतलब क्या है कि अगर सी ने एक्स रुपए पे किए हैं, तो आप ए ने कितने रुपए पे किए हैं, उसको आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि एक्स इंटू 100/100 प्लस ए इंटू 100/100 प्लस बी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सक्सेसिव प्रॉफिट में आपका क्या रहेगा कि अगर ए ने, अब देखो सक्सेसिव प्रॉफिट में किस तरीके से आपका प्रॉफिट बनेगा, इसमें कई तरीके से बनता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने मैंने क्या करा कि मेरे पास कोई मूलधन था, मैंने उसे जो है 5% के प्रॉफिट पर दे दिया, ठीक है। उससे जो मैं वो जो मूलधन मिला उसी को मैंने जो है 10% के प्रॉफिट पर दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे दो तरीके के प्रॉफिट मिले, एक 5% का प्रॉफिट मिला और एक 10% का प्रॉफिट मिला। तो टोटल मिला के मुझे फाइनल प्रॉफिट कितने का मिला, तो आप क्या कौन सा फॉर्मूला लगा दिए, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यानी 5 + 10 + 5 × 10 = 100। तो उससे आपका जो है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपके जो वैसे ये टोटल प्रॉफिट वन प्रॉफिट वाली बात है, तो इसी तरीके से आपके परसेंटेज में भी आता है कि लंबाई के 5% बढ़ा दी गई, चौड़ाई 5% बढ़ा दी गई, तो टोटल मिला के जो है इसके आयतन में कितनी वृद्धि हुई है ना, तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि, इसी तरीके से वो भी फॉर्मूला इसी तरीके से निकालेंगे। तो ये तो आपको दो के लिए फॉर्मूला था, अगर इससे ज्यादा के लिए पूछ लिया जाए कि जैसे कि एक व्यक्ति को जो है 2, 3, 4, 5, 6% का प्रॉफिट हुआ है, तो किस तरीके से करेंगे, तो पहले दो के बीच निकाल लो, फिर तीसरे के बीच निकाल लो, और फिर चौथे के बीच, या फिर उन दोनों, इन दोनों का अलग सॉल्व किया, इन दोनों का अलग सॉल्व किया, दोनों का जो प्रॉफिट हुआ ये आपके दो पॉइंट्स पोर्शन हो गए, तो इन दोनों को आपने अलग से सॉल्व कर लिया, तो उस तरीके से भी आपका निकल जाएगा। और बस आपको ये तो आपको याद, ये तो आपको पता रहेगा, बस आपको यही याद करना पड़ेगा फॉर्मूला क्या किया गया जो है, ये पूरा तो सेम ही रहेगा कि ए ने बी को जो है 1% के प्रॉफिट और बी ने सी को जो है कितने 2% के प्रॉफिट पर दिया, तो सी ने अगर एक्स रुपए पे किया तो ए ने कितने रुपए पेड किया है, तो उसके लिए आपका हो जाएगा एक्स इंटू एक्स क्या है आपका रुपीज पेड बाय सी, एक्स इंटू 100/100 प्लस ए इंटू 100/100 प्लस बी, इस तरीके से आपका हो जाएगा। इतनी बात समझ आए, तो टोटल और टोटल अगर मैं बात करूँ तो अगर वो पूछेगा भी वो तो इसी तरीके से पूछेगा, या फिर आपसे कहेगा कि दो सक्सेसिव प्रॉफिट आपको जो है दे रखे उसमें से देखें आपको ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100% है, तो आपको क्या करेगा वो टोटल प्रॉफिट आपको दे देगा, टोटल प्रॉफिट इतने का है। तो अगर ए को, अगर एक व्यक्ति को जो है 1% का प्रॉफिट हुआ और दूसरा जो प्रॉफिट हुआ 5% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि एक प्रॉफिट आपको दे रखा है दूसरा प्रॉफिट नहीं दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि पहला प्रॉफिट बताओ कितना हुआ, अगर टोटल प्रॉफिट जो है इतना हुआ, तो टोटल प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पर रखना ए और बी, ए पूछा गया है, बी की वैल्यू रखना, तो यहाँ से आपको जो है
रिलेशन मिल जाएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। उसी तरीके से जो है टोटल प्रॉफिट देके रखेगा तो अब की ए की वैल्यू दे देगा और बी की वैल्यू नहीं देगा, तो बी की वैल्यू पूछ लेगा तो ए की वैल्यू रखना और यहाँ से आंसर निकाल लेगा। उसी तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर सी को जो है सी ने कितने रुपए पेड किए वो पूछा गया, यहाँ पर मतलब ए ने कितने पेड किए ये आपको निकालना था, उसके लिए सी ने पेड किए वो रुपीज देके रखेगा, ए की वैल्यू देके रखेगा निकाल लेगा। या फिर ऐसा करेगा कि आपसे आपको जो है ए की वैल्यू ए ने इतने रुपए पे किए तो बताइए सी ने कितने रुपए पे किए, इतनी बात समझे। या फिर आप ध्यान से देखो, मान लो कि जैसे कि आप हुआ क्या कि यहाँ पे ध्यान से देखना ए ये है बी ये है और ये है आपका सी है ना, तो इसने किस तरीके से पे किया, मान लीजिए कि सी ने जो है एक्स रुपए पे किए हैं, सी ने एक्स रुपए पे किए है ना, और बी ने क्या किया है बी ने सी को 20% के प्रॉफिट पर दिया है और ए ने बी को 1% के प्रॉफिट पर दिए हैं है ना। हमें क्या करना है, सी की तो पता है बी का निकालना है हमें, तो अगर हमें बी का निकालना है तो हम क्या कहेंगे कि बी ने क्या करा 20% का प्रॉफिट कमाया और जो है सी को दे दिया। तो हमने क्या करा, बी ने प्रॉफिट कमाया कितने पर, माना कि एक्स रुपए पर इसने जो है माना कि वाई रुपए की एक्स पे इसका है ना, माना कि वाई रुपए पर इसने प्रॉफिट कमाया और वैल्यू हो गई एक्स है कि नहीं। सी ने जो है जो रुपए दिए होंगे, जो सी ने जो रुपए दिए होंगे वो आपके पास यहाँ पर आएगा, और सी ने कितने रुपए जितने दिए होंगे वही बी के लिए क्या होगा टोटल अमाउंट होगा, उसमें से जो उसका मूलधन होगा प्लस प्रॉफिट होगा। तो मान लिया कि इसके पास जो है वाई रुपए थे, 20% के प्रॉफिट पर बेचा तो टोटल अमाउंट कितना हो गया एक्स, तो बस यहाँ से 20% की वैल्यू आपको देके रखेगा, इसकी वैल्यू पता है तो वाई की वैल्यू निकालेगा तो वहां से बी का जो मूल्य आ जाएगा आपका है ना, बी को बी के पास कितने रुपए हैं ठीक है। उसी तरीके से ए का निकालना तो आप क्या करेंगे, ए का अगर निकालना है तो मान लिया कि जेड मान लिया आपने और 8% के प्रॉफिट में बेचा तो कितना हो जाता है वो वैल्यू हो जाती है वाई, तो आप जो है यहाँ से इसकी वैल्यू जो है निकाल लेना तो यहाँ से आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और बाकी जो है वैल्यू जैसे यहाँ से सी की वैल्यू देके रखेगा, ए की वैल्यू तो आपको देके रखेगा, तभी बी या फिर ए की वैल्यू पूछ सकता है कि ए को कितने पे करने पड़े या फिर बी को कितने पे करने पड़े ठीक है, इतनी बात समझ आए ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चाहूँ तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट में एक घंटे की वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, बट लेकिन उसमें क्या होगा आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ठीक है। तो मैं क्या करूँगा आप सभी के सामने छोटे छोटे वीडियो लेकर आते रहूँगा ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।